स्वागत है आप सभी का। देखिए, दिल्ली में भाजपा का मंथन चल रहा है और इसी कड़ी में एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि ओम बिरला से मिलने पहुंचे हैं प्रहलाद जोशी, जो कि राजस्थान के बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं। अब से थोड़ी देर पहले उपराष्ट्रपति के आवास पर वो पहुंचे थे, वहां पर चर्चा हुई है, वहां पर मंथन हुआ है और अभी ये जानकारी मिल रही है कि ओम बिरला से मिलने के लिए पहुंचे हैं प्रहलाद जोशी। क्योंकि देखिए, पहली सूची का इंतजार अब जल्दी खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले मंथन का दौर चल रहा है और ये एक एक मुलाकातें बेहद अहम मानी जा रही है ओम बिरला से मिलने प्रहलाद जोशी। क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि काफिला रवाना हुआ था प्रहलाद जोशी का उपराष्ट्रपति के आवास से। अदिति नागर दिल्ली न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, क्योंकि मुलाकातों का दौर, मंथन का दौर तो चल रहा है, लेकिन अब क्योंकि उपराष्ट्रपति के आवास से रवानगी प्रहलाद जोशी की हुई, ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं अब। बिल्कुल, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम संवैधानिक पद की बात कर रहे थे। दोनों ही नेता संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन दोनों ही नेता जो है वो राजस्थान से आते हैं। ओम बिरला राजस्थान के दिग्गज नेताओं में आते हैं, कोटा से सांसद हैं और ऐसे में पहले जगदीप धनखड़ से मुलाकात हुई। अब इसको दो तरीके समझते हैं। बात करने से पहले आपको बता दें कि एक G20 की बैठक है जिसको लेकर ओम बिरला लगातार व्यस्त चल रहे हैं। कुछ ही दिनों में G20 के तमाम जो देश हैं उनके जो स्पीकर्स हैं वो पहुंचेंगे दिल्ली, तो उसको लेकर व्यस्त चल रहे हैं। लेकिन इस बीच में प्रहलाद जोशी का पहुंचना तमाम तरीके के सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिस तरीके से समीकरण है, वसुंधरा राजे का प्रहलाद जोशी से मिलना, प्रहलाद जोशी का जेपी नड्डा से मिलना, जेपी नड्डा और प्रहलाद जोशी का जगदीप धनखड़ से मिलना और वहीं से निकलकर ओम बिरला से मुलाकात करने जाना, यानी कि आज की रात बहुत कुछ कहती है, क्योंकि कल CEC की बैठक है। अब आपको बता दें कि कोटा से सांसद हैं, कोटा में अच्छी पकड़ रखते हैं और कोटा के अलावा भी, क्योंकि जब जिस पद पे वो आज बैठे हैं, कोरोना काल हुआ, तमाम चीजें हुई, तब ओम बिरला ने ना सिर्फ कोटा का, पूरे राजस्थान का बेहतर तरीके से ख्याल रखा और आज भी तमाम राजस्थान के कार्यकर्ता अगर दिल्ली में आते हैं तो चाहे एम्स में एडमिट कराना, तमाम चीजें हो, ओम बिरला उनका खासा ध्यान रखते हैं। लेकिन अब बात करते हैं जिस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं और जिस तरीके से आज की गतिविधियां हैं, ऐसे में इसको चुनावी तरीके से जोड़कर देखा जाएगा। जब इस मुलाकात के मायने चुनावी और राजनीतिक मायने लिहाज से देखा जाएगा। अब कोटा में टिकट वितरण बेहद महत्वपूर्ण स्थिति में है। आज ही फर्स्ट इंडिया ने खबर चलाई थी कि प्रहलाद गुंजल जो है उनको, वो नॉर्थ कोटा से चुनाव लड़ते आए हैं लेकिन उनकी सीट बदलने की बात चल रही है। ऐसे में जब फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद प्रहलाद गुंजल का रिएक्शन भी आया, तो संभवतः कोटा के टिकट वितरण को लेकर भी एक महत्वपूर्ण चर्चा ओम बिरला से की जा सकती है। और न सिर्फ कोटा, राजस्थान में किस तरीके से आगे बढ़ना है और राजस्थान में जो आगामी जो प्रधानमंत्री मोदी की जो रैलियां हैं उसको क्या कुछ करना है, इस पर भी संभव चर्चा हो सकती है। लेकिन क्योंकि दोनों ही सक्रिय राजनीति से दूर हैं, तो एक बार फिर ये कहना जरूरी है कि दोनों संवैधानिक पद पर हैं लेकिन दोनों ही राजनीति के लिहाज से राजस्थान के दिग्गज चेहरों में माने जाते हैं। और वसुंधरा राजे से प्रहलाद जोशी की मुलाकात, फिर जेपी नड्डा और जेपी नड्डा से जगदीप धनखड़ और ओम बिरला, आज काफी कुछ दिल्ली में राजस्थान को लेकर चल रहा है। ऐसे में कोटा पे सीट वितरण पे संभावित महत्वपूर्ण चर्चा प्रहलाद जोशी और ओम बिरला की हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, और बेहद अहम भी है क्योंकि कल तो CEC भी होनी है और CEC में सब कुछ साफ ही हो जाएगा, तो फिर ये मानकर चले फिर अब तो ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा पहली सूची का। बिल्कुल, देखिए इंतजार का जहां तक जिक्र है तो मैं ये कहना चाहूंगी, वैसे तो कल CEC की बैठक है, संभवतः कल देर रात और परसों सुबह ये लिस्ट जारी होनी चाहिए जो कि राजस्थान की पहली। लेकिन कई नेताओं का ये सुझाव है, जो अमित शाह को भी दिया गया था जयपुर में, कि पहली लिस्ट जो जारी हो वो नवरात्रों में की जाए, श्राद्ध पक्ष में नहीं की जाए। तो अब ये देखना होगा कि इस पे क्या फैसला लेते हैं, क्या 14 दिन तक के लिए ये सूची को रोका जाएगा और फिर नवरात्र लगते ही पहली सूची जारी होगी, या 2 तारीख को सुबह या 1 तारीख की रात को सूची जारी होगी, संभवतः प्रधानमंत्री की रैली के बाद सूची जारी हो, ऐसे कई तरह के क्या है लेकिन इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये सच है कि जब अमित शाह के साथ बैठक हुई थी तो कई नेताओं ने टिकटार्थियों की चर्चा के दौरान ये जिक्र किया था कि पहली लिस्ट श्राद्ध में आनी चाहिए और शायद यही एक तरीका है भाजपा की कार्यप्रणाली का कि वो कोई भी अच्छा काम जो है नवरात्रों में और अच्छे दिनों में करते हैं, श्राद्ध के दौरान नहीं करते। अब ये देखना होगा कि क्या
अगले 48 घंटे में लिस्ट आएगी या फिर 14 दिन के बाद का इंतजार करना। अच्छा अदिति एक बात और, क्योंकि संवैधानिक पद पर रहते हुए फिर भी अनुभवियों का अनुमान लिया जा रहा है, उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं, उनसे चर्चा भी की जा रही है। अब जिस तरीके से हमें बीते बयान भी याद आ रहा है, अभी हाल ही में जो जेपी नड्डा आए थे, गृह मंत्री अमित शाह आए थे जयपुर, वहां पर मंथन हुआ था, एक एक कर जो नेता निकलकर बाहर आए थे, एक बात उनकी तरफ से अहम कही गई थी कि सारे समीकरण हमने बना लिए हैं, तो फिर जिस तरीके से चर्चा चल रही है तो हम ये मानकर चले कि कोई संशय नहीं है, समीकरणों के अनुसार सब कुछ तय हो चुका है। देखिए ऐसा नहीं होता, हर दिन राजनीति और रणनीति बदलती है, लेकिन ये बात तय है कि इस बार टिकट के फैसले में खुद दिल्ली ने पूरी जिम्मेदारी को लिया है। दिल्ली को ये लगता है कि पिछली बार टिकट वितरण में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हुई थी, ऐसे में हर वर्ग को साधना भी है, महिलाओं को भी टिकट देनी है, जाट समुदाय को, गुर्जर समुदाय को, हर वर्ग को साधना है और टिकट केवल विजिबिलिटी की क्राइटेरिया पे देनी है। और इतने सारे धड़ हैं राजस्थान में, अगर नेताओं के दिग्गजों की बात करें तो जिस तरीके से आपसी गुटबाजी है वो भी नजर आती है, तो चुनौतियां कम नहीं है। और जैसे जैसे हर एक नए दिन का नए सूरज की किरण के साथ कोई एक नए समीकरण और जो है स्ट्रेटेजी होती है, इसलिए फिलहाल तो 55 सीटों पर चर्चा चल रही है। जब ये एक बार की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी तो दूसरी लिस्टों पर चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरीके से आचार संहिता के लिए कहा जा रहा है कि 8 अक्टूबर के बाद कभी भी लग सकती है, ऐसे में फिर पूरी तरीके से टिकटार्थियों के नाम अनाउंस करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के आला नेता ये चाहते हैं कि सारे के सारे नेता, चाहे राष्ट्रीय नेता हो, चाहे राज्य के नेता हो और जो उम्मीदवार हो, वो पूरी तरीके से अपना 100% झोंके और चुनाव में जीत हासिल करें। और जहां तक आप बात कह रहे हैं कि सब कुछ तय हो गया है, आखिरी मिनट तक भी रणनीति बदलती रहती है चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। जी बिल्कुल अदिति बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आखिरी मिनट पर भी राजनीति बदलती रहती है, रणनीति बदलती रहती है राजनीति में, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके अलावा अदिति, क्योंकि संवैधानिक पद पर रहते हो, क्या इस तरीके से मंथन होता है या फिर पहली बार ऐसा देखने को मिला अदिति? संवैधानिक पद पर हाँ हम सलाह मशवरा जरूर पर्दे के पीछे कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ओपनली मुलाकातें हो रही हैं, और देखिए ये भी हम कयास ही लगा रहे हैं, हम एक बार फिर एक जिम्मेदार पत्रकारिता के चलते ही कहते हैं कि संवैधानिक पोस्ट है और संभवतः बहुत सारे ऐसे मुद्दे, क्योंकि प्रहलाद जोशी जो है वो संसदीय कार्य मंत्री हैं जिनका रोज की चर्चा ओम बिरला से होती है, ऐसे में वो भी कोई काम हो सकता है, लेकिन जिस प्रक्रिया और जिस बैठकों के दौरों के बीच से निकलकर प्रहलाद जोशी मिलने पहुंचे हैं, बिल्कुल ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। अदिति बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी को विस्तार से दर्शकों को समझाने के लिए।